उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला करते हुए कहा कि वे कोरोना काल में कामगारों के पलायन का मुद्दा तो उठा रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार में कोरोना में पलायन हुआ था, वे उसे भूल गए। हमने तो पलायन वाले 45 लाख कामगारों को काम दिया है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने आगे कहा कि अखिलेश यादव, आरोप लगाओ तो थोड़ा ध्यान से लगाओ, वरना आसमान की तरफ देखोगे और थूकोगे तो थूक आप पर ही गिरेगा। अखिलेश यादव के यूपी से बुलडोजर और सांड हटाने वाले बयान पर सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि इसका मतलब हुआ कि यूपी में फिर से गुंडा राज और माफिया गिरी आ जाएगी। जैसे सपा शासनकाल में अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और आजम खान थे, वे लोग फिर वापस आ जाएंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि उनका सपना है कि वे आएंगे तो गुंडाराज वापस आ जाएगा। ओम प्रकाश राजभर सहित छोटे दलों से सपा के गठबंधन पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ज्यादा ढोल ना पीटो, क्योंकि इससे पहले वे बसपा और कांग्रेस जैसे बड़े दलों से गठबंधन करने के बावजूद कुछ नहीं कर पाए, तो अब क्या करेंगे। मुरादाबाद में कल होने वाली प्रियंका गांधी की रैली पर सिद्धार्थनाथ ने कहा कि कांग्रेसी यह देख लें कि प्रियंका गांधी के यूपी के प्रचार करने से कांग्रेस में कितना असर पड़ने वाला है। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जैसे ही सपा गवर्नमेंट आएगी प्रदेश से बुलडोजर और सांड बाहर कर दिया जाएगा। तो उसका जो उनका तात्पर्य यही हुआ कि बुलडोजर हम किस पे चला रहे हैं, जो माफिया हैं, जो गुंडा राज कर रहे हैं, जिन्होंने अवैध कब्जे करे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम बुलडोजर यहाँ से हटा देंगे। तो वो कह रहे, उनका मतलब हुआ कि फिर से गुंडा राज आएगा, फिर से माफियागिरी आएगी, और जो आपके डॉन चल रहे थे, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे आजम खां जैसे लोग हैं, या अन्य जो लोग हैं, वो वापस फिर आ जाएंगे। तो उन्होंने सीधा संकेत किया है, गुंडा राज वो आएंगे जो उनका सपना है, मगर गुंडा राज जब आएगा वो आएंगे तो गुंडा राज आएगा। सर, कल प्रियंका गांधी का यहाँ है, कितना इंप्रेशन पड़ेगा यूपी गवर्नमेंट, यूपी के चुनाव? पहले तो कांग्रेस समझ ले उनके प्रियंका वाड्रा के प्रचार करने से कांग्रेस में कितना असर पड़ने वाला है। सर, अखिलेश यादव ने आज बांदा में कहा, रैली को संबोधित करते हुए, कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पलायन हो रहा था मजदूरों का, कोई सुध नहीं ली और लोग जो है भूखे प्यासे पलायन करते रहे कोरोना संक्रमण में। जो कैराना होता था, जिसको कैराना का पलायन बोला जाता था, प्रसिद्ध हुआ हुआ था, वो आप ही के कार्यकाल में हुआ है, वो भूल जाते हैं। जो प्रवासी अलग अलग प्रदेशों से उठ के आए थे, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान से 45 लाख लोग आए थे, उनको हम लोग ने यहाँ पे पुनः बसाया कोरोना काल में। अधिकांश यहीं पे रह गए हैं, उनको नौकरियाँ दी गई हैं, उनको अब उसमें से कुछ हैं जो वापस गए हैं। तो अखिलेश जी, जब आरोप लगाओ तो थोड़ा ध्यान से लगाओ, ना तो ऊपर देखोगे और थूकोगे तो थूक आप पे ही गिरेगा। सर, पिछले विधानसभा चुनाव में कई साथी ऐसे थे राजनीतिक दलों के जो आपके साथ थे, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने उनसे गठबंधन कर लिया है, क्या लगता है आपको समाजवादी पार्टी इससे कुछ लाभ ले पाएगी? कितने लोग हैं? एक ही तो है, छोटे छोटे कई, एक ही है जो एक ही नाम है ओम प्रकाश। कितने लोग हैं? एक ही तो है, एक ही है जो एक ही नाम है ओम प्रकाश राजभर के बाद दूसरा नाम आपको नहीं देखेगा। हमारे पास तो अब ऐसे भी हैं, उससे बड़े दल हैं, अपना दल है, हमारे पास निषादपुरी पार्टी है जिनकी संख्या भी बहुत बड़ी है। तो इसलिए एक पार्टी के साथ वो ढोल इतना ना पीटें अखिलेश यादव जी। और उन्होंने तो बड़ी बड़ी पार्टियां भी ली हैं, जब बड़ी पार्टी लेने के बाद, बुआ को लेने के बाद, भैया को लेने के बाद वो कुछ नहीं कर पाए, तो छोटी पार्टी को लेने के बाद क्या कर लेंगे।